सबसे पहले मैं आपको सामग्री बता देती हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या क्या लिया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बड़ी सी कटोरी में मैंने यहाँ पे चना की दाल ले लिया है। इसको हमने अच्छे से साफ़ करके ले लिया है। और मैंने यहाँ पे गेहूँ ले रखा है, इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ करके ले लिया है। तो ये दोनों ही चीज़ें हमने अपने खेतों से ली हैं। तो क्योंकि अभी हम गाँव आए हैं और आपको पता है अभी कितने सारे त्यौहार आने वाले हैं, दसरा, दीपावली, तो हम घर में बहुत कुछ चीज़ें बना रहे हैं आज। तो आज वही हम बना रहे हैं, तरगा बना रहे हैं। इसको हम कन्नड़ में तरगा बोलते हैं। तो आपके भाषा में इसे क्या बोलते हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और साइड में मैंने यहाँ पे हल्दी के, इसको मैंने अच्छे से कूट के ले लिया है, हल्दी के बड़े बड़े पीसेस में। इसको हम यहाँ पे हरकुंड बोलते हैं। अब नेक्स्ट मैंने इसके अंदर साफ़ करके इसके अंदर चावल डाल दिए हैं। तो चावल आप यहाँ पे अपने क्वांटिटी के हिसाब से कितना भी ले सकते हैं, और कोई भी चावल ले सकते हैं, कोई भी ब्रांड का चावल आप ले सकते हैं यहाँ पे। हमने तो यहाँ पे अपना घर का ही लिया है, हम अपने खेतों में ही उगाते हैं सब कुछ, यहाँ पे हमने घर का ही लिया है। तो हमने इसको अच्छे से साफ़ करके ले लिया है चावलों को भी, और मैंने इसको कोई फ्राई वगैरह नहीं किया है, डायरेक्ट मैंने इसको साफ़ करके इसमें डाल दिया है। तो अब हम इन सभी चीज़ों को चक्की में पिसवा के लेके आ जाते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे आटा अच्छे से पीस के ले लिया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए अब हम इनको छान के ले लेते हैं। ये देखिए मैं इसको यहाँ पे अच्छे से छान के ले रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो आटा है वो अच्छे से छान के ले लिया है यहाँ पे। अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर लाल मिर्च, बस स्वाद के अनुसार मैं इसके अंदर डाल दूंगी नमक। अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर थोड़ा सा तेल। तो इनको अच्छे से हम मिक्स करके ले लेंगे। अब मैं इसके अंदर गर्म पानी डाल दूंगी। अब मैं इसके अंदर गर्म पानी डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर दूंगी। तो अब हम इसका अच्छे से एक आटा गूंद लेंगे, यानी कि डो प्रिपेयर कर लेंगे। कि फ्रेंड्स, आटा गूंद के मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है। अब मैं इसमें से एक छोटी लोही तोड़ लूँगी, की छोटी सी लोही जो कि है कि तोड़ के ले लूँगी नींबू के साइज के जितना। ये देखिए यहाँ पे, तो मैं इसके अंदर आटा लगा के इसको अच्छे से बेल लूँगी, जैसे पूरियों को बेलते हैं वैसे ही हमें उसको बेल लेंगे। तो ये देखिए हमारा ये बनके रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं आप। चलिए मैं आपको एक और दिखा देती हूँ। तो इसको पूरियों की तरह ही बेलना है, आप अपने साइज को अकॉर्डिंग इसको बेल सकते हैं। इसको हमको पतला बेलना है, ज़्यादा हमको मोटा वगैरह नहीं करना है, पतला बेलना है हमको इसको। तो ये देखिए मैंने इसको बेल लिया है अच्छे से यहाँ पे देखिए। चलिए अब सारी लोहियों को ऐसे ही हम बेल के ले लेते हैं। तो लोही मैंने बना के रेडी कर ली है, तेल भी मेरा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं यहाँ पे इसको फ्राई करके ले लेती हूँ। मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे फ्राई करते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए, देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, ये जो जो ये जो पुड़िया है ये फूलती नहीं है, थोड़ा सा ही फूलती है बस, पर ये नॉर्मल पूरी की तरह फूलती नहीं है। ये देखिए अब हम इसको निकाल देते हैं, अच्छे से फ्राई हो चुका है। जैसे पापड़ बनता है बिल्कुल वैसे ही बनाना है इसको, क्रिस्पी क्रिस्पी। एक और फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए मैंने आपको बना के रेडी कर लिया है। तो ये देखिए अच्छे से फ्राई कर रहे हैं। इसको निकाल लेते हैं, ये भी हमारा अच्छा फ्राई हो चुका है, ये देखिए। चलिए अब बाकी सारे वैसे ही फ्राई करके ले लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे थाली पीठ बन के रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने क्रिस्पी बने हैं यहाँ पे ये। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। मैं आपको एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ले लीजिए। हम आपसे एक और न्यू वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए खाते रहे फ्रेंड्स और मस्त रहे फ्रेंड्स। बाय बाय, थैंक यू।